तालों को कैसे साथ ले लें। तो हाँ, मैं कह रहा था कि जब हम बजट करने की बात करते हैं, स्मार्ट बजटिंग की बात करते हैं, लोग बोलते हैं यार सबसे महंगा तो खर्चा ना वो इंसानों को देने वाली सैलरीज है या जो लोग हैं उनको। तो बिजनेस तो सबसे पहले जो है ना वो चीजों को ऑटोमेट करने की कोशिश करता है और लेबर से जान छुड़ाता है। सो इन इस्लामिक पर्सपेक्टिव, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं या हमारा अपना घर का बजट है, सो हाउ वी कैन हेल्प अ विन विन सिचुएशन जिसमें हम दूसरों को भी हेल्प आउट कर रहे हो और हम अपने फाइनेंसिस भी मैनेज कर रहे हो। तो उस हवाले से थोड़ी सी इस पर रोशनी रखें। जी सर। लेकिन सबसे पहले तो हम लोग जो है ना कोशिश ये करें कि दो चीजों का हम जरूर सीख लें, क्योंकि हम किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं अपने बड़ों से कनेक्टेड होते हैं, और उनमें हमारे उलमा भी हो सकते हैं, हमारे मस्जिद के इमाम भी जो हो सकते हैं वो भी माशाल्लाह आलिम होते हैं, या कुछ हमारे जो वो दोस्त जो सीनियर हैं या कुछ बड़ों की वो सोहबत में बैठकर कुछ इतना इल्म हासिल कर चुके होते हैं कि जिनसे हम बैठ कर इस्तफादा हासिल कर सकते हैं, तो जो दीन की अच्छी समझ रखने वाले लोग होते हैं। तो मैं दो चीजों का जरूर बताऊंगा कि भाई, एक तो हम तवक्कल की बात करें और दूसरा हम इसराफ के बारे में हम जरूर पढ़ें। और तवक्कल पर हम ये ना कहें कि हम हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाएं, कोई कोशिश ना करें और हम अल्लाह से दुआएं करते रहें कि हाँ ये हमारा ये मसला है, हमें ये चीज चाहिए या हमें फला चीज की जरूरत है, तो वो अल्लाह हमें अपनी बगैर कोशिश के दे देगा। अल्लाह उस पर कुदरत बेशक रखता है, अल्लाह जो है मुसब्बिबुल असबाब है, सब चीज कर सकते हैं, मगर हमने अल्लाह पर तवक्कल करके अपनी कोशिश जरूर करनी है। इसको हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना कि हमने अपनी कोशिश जरूर करनी है, चाहे कैसे भी हालात हो, हम हाथ पर हाथ रखकर बैठेंगे नहीं। और इसराफ का जिस तरह हमने देख लिया कि हम कितने कम से कम बजट में, कितनी कम से कम आसाइशों के बगैर भी, या एक लग्जरी लाइफ या एक लैविश लाइफ के बगैर भी हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, तो उसको हम अपना शेवा मनाएंगे और किसी तरह से कोशिश करेंगे कि भाई जो इसराफ की जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफी फरमाई, या अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसराफ से हमें रोका, हत्ता कि यहां तक भी कहा गया कि वजू भी जब आप कर रहे हैं तो वजू का पानी भी जाया ना किया जाए, वो वजू का पानी जाया करना भी इसराफ में आता है। और यहां तक कहा गया कि अगरचे आप क्यों ना दरिया के साथ या किसी नहर के साथ आप हैं और वजू कर रहे हैं, तो उस पानी को भी आप जाया नहीं करेंगे जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं। तो अब हमें कोविड वाली इस सिचुएशन में अंदाजा हो गया है कि हम किस तरह से मिनिमम बजट में भी हम अपना गुजारा कर सकते हैं, और हम अपने बच्चों की भी ऐसी तरबियत करें, हम घर वालों की भी तरबियत करें, और उस तरह से अपने बजट को, अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स करके फिर हम अपने जो रिसोर्सेस को हम सही तरह यूटिलाइज करें। तो अब अल्लाह का जो जो मामला है ना, उसमें यूं आता है कि वाल इंसान इल्लामा वाल इंसान इल्लामा की जो तारीफ, या जिसका मैं कहूँ मफहूम जो बयान किया जाता है या उसकी तशरीह की जाती है, कि अल्लाह की तरफ से वो कुछ उस इंसान को दिया जाता है जिसकी वो सही करता है, जिसकी कोशिश करता है। तो हमने कोशिश भी करनी है, हमने अल्लाह पर तवक्कुल भी करना है, और हमने इसराफ से भी अपने आप को हटाना है। मतलब एक चीज अगर हमें कहीं 10 रुपए में मिल सकती है, तो हमने उस पर 12 रुपए नहीं लगाने हैं या 14 रुपए नहीं लगाने हैं, और कोशिश करनी है कि वो 10 वाली चीज जो है वो हमें मिल सकती है तो हम उसको इस्तेमाल करें। तो यहाँ हम जो है इस्लामी शायर जो है, हमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जो चीजें मिलती हैं उनको हम जरूर पढ़ें, और उसके मुताबिक हम जिंदगी बहुत कम बजट में भी अच्छी जिंदगी हम गुजार सकते हैं, और आने वाले वक्त में भी जो है हम बच्चों की अच्छी से अच्छी तरबियत करके उनको उस दौर के लिए तैयार कर सकते हैं कि जो आने वाला दौर है, जिसमें वाकई हमने आफियत की दुआ भी मांगनी है, और कोशिश ये करनी है कि भाई अभी से हम किसी तरह से अपने आप को तैयार करें। तो ये चीजें तो बहुत जरूरी हैं, इनको हमने साथ रखना है। ये एक दो दो जो है ना नुक्ते आपने जरूर सोच के रखने हैं इस पर।
सॉरी मेरा माइक ऑफ था, मैं ये चाह रहा था कि इसमें जो दूसरों की मदद वाला एलिमेंट है उसको भी थोड़ा सा एलिबरेट। हाँ देखिए मैं तो खैर हमारे इस मामले में तो मैं हमेशा जो ना हमारे जुड़े जमशेद भाई की बातें याद रखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के इसको मैंने अपने तौर पर तो नॉट एग्जैक्टली एज पर हिज रिकमेंडेशन एज पर हिज एडवाइस बट कुछ ना कुछ हद तक जो है ना मैंने उसको अपने साथ बांध दिया है कि अपनी कमाई का हिस्सा कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर आप फिक्स कर दें, अपनी मंथली कमाई या रोजाना की या हफ्ते की कमाई या जो कुछ आपके हाथ में आता है उसको आप अपने तौर पर बांध लें कि उसका कुछ हिस्सा चाहे वो 5% से आप स्टार्ट करें चाहे आप 2% से स्टार्ट करें, यानी आप अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो उसका 2% आप जो है 2% आप सोच लें कि ये मुझे निकाल कर रखना है, ये मुझे चैरिटी देनी है, ये मुझे अपने भाई की किसी मदद में उसको इस्तेमाल करना है। तो अगर आप बढ़ते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता 2 से 3% पर आएंगे, फिर 5% पर आ जाएंगे, 10% पर आ जाएंगे और फिर आप देखेंगे कि अपनी कमाई का 5वां हिस्सा या 20% की मैं बात करूं उस पर आप आ जाएंगे तो आपको ये कहीं जाता हुआ नजर आ रहा होगा, बज़ाहिर आपको जाता हुआ नजर आ रहा होगा कि मेरे पास जो 100 रुपए थे उसमें सब 80 रह गए, 20 तो मैंने कहीं और दे दिए जो मेरे काम में नहीं आए, मगर उसका जो इम्पैक्ट है या किसी तरह से आपकी जो उस 80 रुपए जो आपके पास बचे हैं उसमें जो बरकत पड़ जाती है और वो जो बरकत ऐसी होती है कि वो बज़ाहिर आपको नजर नहीं आ रही होती मगर उसकी जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रही होती है उसमें कहीं आपका पैसा कहीं जाया नहीं हो रहा होता है, कहीं आपसे खुदा ना खास्ता कहीं भूले से कहीं गिर नहीं जाता, कहीं गुम नहीं हो जाते, कहीं उसमें चोरी नहीं हो सकती, मतलब इस तरह की चीजें जो है बरकत की अंदाज में आपके पास आ जाती हैं, या उस वो पैसे जो है उन जगहों पर नहीं लगते जहां नहीं लगने चाहिए। मैं अल्फाज या उन जगहों के नाम नहीं लेना चाह रहा था मगर आप मुशाहदे में लेकर आएंगे कि कहीं आपकी कोर्ट कचोरियों में कचहरियों में पैसे लग रहे होते हैं, कहीं दवाइयों में या मेडिकल्स में या कहीं दूसरे और जगहों पर जहां जो आपने प्लानिंग नहीं की होती है, जो आपने बजटिंग नहीं की होती और वहां वो पैसा सर्फ हो रहा होता है, वो लग जाता है और वो आप सोच भी नहीं पाते कि ये कैसा हो गया, मेरे पैसों में बरकत कैसे उड़ गई और किस जगह ये पैसे जो है मेरे लग गए। तो इस तरह से वो एक समझें कि आप जब पैसों में अपने पैसों में से आप कुछ लोगों की इमदाद के लिए निकाल कर रख लेते हैं तो आपका जो बचा हुआ पैसा है उसमें वाकई इस तरह की बचत बरकत हो जाती है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते और वो बढ़ता रहता है अल्लाह की तरफ से। एक का दस का एक से जो दस का जो वादा है ना वो तो है ही है, वो तो दस का भी हिंसा या दस के बारे में अल्लाह ने अपनी हमारी समझ के हिसाब से उसमें बयान कर दिया अपने कुरान में अपने कलाम में, मगर अल्लाह देने वाला तो उससे कहीं दर्जे ज्यादा है, तो कई दर्जे उससे ज्यादा जो देने वाला है वो दस का हिसाब रखने वाला नहीं है। तो ये तो सिर्फ हमारी छोटी समझ को समझाने के लिए कहा गया कि भाई एक दस देने वाला है, तो ये जरूरी है हर शख्स जो है, मैं तो ये कहता हूँ कि जो अगर मजदूर है अगर वो रोजाना 100 रुपए भी दिहाड़ी में कमाता है तो ये भी अगर तय कर ले कि मैं 2 रुपए निकाल कर अपनी किसी भाई की मदद करूंगा तो वो जरूर करे, चाहे वो 1 रुपया निकाल कर भी अपनी तरफ से वो दे दे और रख दे और फिर बाद में किसी की मदद करे वो जरूर करे। वो देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है माल में भी और जो 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 आने वाले दिनों में इतनी बरकत देंगे।